हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। काफ़ी कमेंट्स दोस्तों आप लोगों के आए थे पेपर टू के रिगार्डिंग, तो फाइनली हम पेपर टू की कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। ये उस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो होगी दोस्तों। इसमें हम पेपर टू के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे पेपर 2017 में पेपर क्या आया था, क्या क्या उसमें टॉपिक्स पूछे गए थे। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं सीधा, बस उनको पता तो होता है कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। वो मैं आज आपको बताऊँगा कि इन डेप्थ आपको कैसे जो है नॉलेज लेना है और कब फिर आपको तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो वीडियोज़ आएंगी दोस्तों, वो काफ़ी जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, और हर एक टॉपिक वाइज हम जो है वीडियोज़ अपलोड करेंगे, अगर हो सका तो पॉसिबल। ठीक है, जैसे ऐसे वगैरह की वीडियो हम डालेंगे एक दो, उसके बाद आपकी जो प्रीसिस राइटिंग है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, और कैसे आपको अप्रोच करनी है एग्ज़ाम में, वो सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये वाला जो हमने ये जो उठाया है, जो ये कंटेंट जो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सारा आपका दोस्तों नोटिफिकेशन से ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जब आप प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन जो 2017 वाला देखेंगे, तो उसमें सारा का सारा कंटेंट आपको ऐसे ही मिलेगा। नोटिफिकेशन हालांकि चेंज नहीं होते, अगर ऐसा कुछ चेंज वाला अगर कोई चीज़ होती तो पहले ही 6 महीने पहले जो है इंटीमेट कर दिया जाता है। ठीक है, आपको बता दिया जाता है कि अगर कोई एग्ज़ाम में पैटर्न में चेंज होगा। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि 2018 में आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा 2017 वाला ही, तो उसी वजह से हमने जो है पिछले वाले नोटिफिकेशन में से ही ये सारा डाटा जो है कॉपी किया है और आप सब लोगों के सामने लेके आए। ठीक है, पेपर वन का आप सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, या फिर हमने पहले वीडियोस बनाए रखी हैं काफ़ी सारी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और अब हम दोस्तों एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें पेपर टू के नाम से होगी। अगर आपको वो कभी भी देखनी है वो, तो आपको यूट्यूब पर सिर्फ ये लिखना होगा CAPF AC पेपर टू। ठीक है, उसमें आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो उसमें सारी की सारी वीडियोज A to Z उसमें सारी की सारी आपकी वीडियो जो है वो रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन में आप यहाँ से शुरू करेंगे पेपर टू से, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो नंबर है आपके वो है 200 मार्क्स। ठीक है, इन दिस पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कॉम्पोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, बट द मीडियम ऑफ प्रीसिस राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन कम्पोनेंट एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली। ठीक है, हमारी वीडियोस पे कम से कम मैं डेली 5 से 6 कमेंट ये देखता हूँ कि सर ऐसे हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमने पूरा का पूरा PDF बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो नोट इसमें लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट इन पेपर टू दे राइट द आंसर ओनली इन द मीडियम अलाउड बाय द कमीशन फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड मेंशनड अबव। ठीक है, देखिए क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, आपसे ऐसे का मीडियम पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे बेसिकली क्या है, ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से 80 मार्क्स के आपको ऐसे लिखने होंगे। ठीक है, 80 मार्क्स के 20 मार्क्स का एक ऐसे होगा और 4 ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 80 नंबर के ऐसे हैं। अब देखिए ऐसे में आपको छूट है। ठीक है, ऐसे आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, सॉरी दोनों लैंग्वेज में किसी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद जो बचा हुआ आपका 120 मार्क्स का जो पेपर बचता है 200 में से 120 नंबर का, वो सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी का उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आपके दोनों हिंदी में भी छपा हुआ आएगा पेपर और इंग्लिश में भी छपा हुआ आएगा, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनकी बात करेंगे। ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो तो उसमें आपका मीडियम पूछा जाता है कि आप कौन सा मीडियम फिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा, हिंदी लिखा होगा, ये वाला मीडियम बिल्कुल सोच समझ के आपको भरना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, 3 टाइप के स्टूडेंट हैं बेसिकली। एक तो वो हैं जो इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और लिख भी सकते हैं और बोल भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरे वो होते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले, मतलब इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं है और लिखने भी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, और तीसरे आते हैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स वाले, उनमें क्या होता है, इंग्लिश समझ तो लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन इतना फ्लुएंसी नहीं है मतलब लिखने में। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले ये वाले बच्चे हैं और ये वाले बच्चे हैं, आपसे तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इंग्लिश में ही अप्लाई करें। ठीक है,
क्योंकि देखिए टाइम है भी 6-7 महीने का, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप हिंदी में लिखने की कोशिश करोगे, अगर आपको हिंदी नहीं आती है उस लेवल की, तो मार्क्स आपके काटे जाएंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया है। एग्जामिनेशन स्कीम के हम नीचे बात करेंगे, अभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द आंसर रिटन इन अ हिंदी मीडियम, इन अ मीडियम अदर देन वन अलाउड इन द पेपर, ठीक है। मान लीजिए आपने दो ऑप्शन थे यहाँ पे, एक तो इंग्लिश का है और एक आपका हिंदी का है, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे पेपर टू के टाइम पे, तो एक अटेंडेंस शीट आती है, ठीक है। उसमें आपका फोटो लगा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, सब कुछ, आपकी डिटेल, रोल नंबर आपका होगा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मीडियम लिखा होगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो आपका जो पेपर चेक होता है वो इस मीडियम के हिसाब से होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश आपने, और ये मीडियम कब आएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप इंग्लिश मीडियम लिखोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका पेपर चेक होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो आपको एच हिंदी में ही ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिख देते हो, मतलब इंटरचेंज अगर करते हो अटेंडेंस शीट से, तो आपके मार्क्स जो हैं काटे जाएंगे। लिखा हुआ है नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन वंस अलाउड इन द पेपर, ठीक है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द मीडियम ऑफ एसे कंपोनेंट इन द अटेंडेंस लिस्ट ऑन द आंसर बुक, ठीक है। आपकी आंसर बुक जो होगी उसके ऊपर आपको वहाँ पे गोला भरना है, एक इस तरह से करके, इंग्लिश मीडियम है आपका या हिंदी मीडियम, ठीक है। और ये जो आपके अटेंडेंस, जब आपका पेपर चेक होगा, अटेंडेंस शीट से मैच किया जाएगा एक बार, तभी आपका पेपर जो है, मतलब इस वाले ऑप्शन में, मतलब आपके जो एसेज हैं उनके नंबर आपको मिलेंगे अगर वो ठीक होंगे तो, ठीक है। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द एसे कंपोनेंट इफ द कैंडिडेट इंडिकेट्स अ मीडियम ऑन द अटेंडेंस लिस्ट एंड द आंसर बुक अदर देन द वन इन विच ही शी हैज रिटन द एसे। वही बात जो मैंने आपको बताई है, अटेंडेंस शीट में मान लीजिए इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है और आपने हिंदी में ऐसे लिख दिया, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा ऐसे का, ठीक है। और अगर ऐसे आपने कर दिया, तो ये लगा लीजिए पेपर टू आपका क्लियर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 80 मार्क्स का आपने क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया है, तो आपका इम्पॉसिबल चांसेस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा नोट इन्होंने इसमें दिया हुआ है, देर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपके दो पेपर हैं, पेपर वन, ठीक है, और पेपर टू। तो ये है, तो पेपर वन के तो क्वालिफाइंग मार्क्स की कट ऑफ आती ही आती है। एक जो वो बोला जाता है कि मिनिमम मार्क्स 70 आपको चाहिए, पेपर टू में 65 चाहिए, 50 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ उनकी मर्जी है, यूपीएससी वालों की, वो चाहे 50 पे भी लगा सकते हैं, 60 पे भी लगा सकते हैं, 70 पे भी लगा सकते हैं, वही है, जितने कम नंबर आप लेके आएंगे तो उतना ही मेरिट लिस्ट से आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपके 50 मार्क्स आते हैं पेपर टू में, और मान लीजिए कट ऑफ जो 55 लगाई, तो ऑब्वियसली बात आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, तो रिजल्ट में आपका जो आएगा उसमें रोल नंबर मेंशन नहीं होगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, पेपर वन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड द इवेल्युएशन ऑफ पेपर टू विल बी डन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पेपर वन, ठीक है। पेपर टू वन है और पेपर टू है, तो पेपर वन में अगर आपके, जैसे मान लीजिए 110 कमीशन ने डिसाइड किया, 110 जो है आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। दो केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक केस है 108 नंबर वाला और एक है 115 नंबर वाला, ठीक है। अगर आपके 110 से ज़्यादा यानी 115 नंबर आते हैं, तो ही आपका जो पेपर टू है वो चेक किया जाएगा। अगर 108 आते, तो ऑब्वियसली बात आपकी फर्स्ट कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं हुई, चाहे फिर पेपर टू में आप चाहे 200 में से 250 नंबर का करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो पेपर चेक ही नहीं होगा। तो मेन कहने का मतलब क्या है कि पेपर वन की आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद डिपेंड करता है आपका पेपर टू चेक होगा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है, लिखने में थोड़ा अच्छा होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेपर वन में, क्योंकि पेपर वन का फील्ड जो है वो काफ़ी वास्ट है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, तो उस वजह से पेपर वन ही क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो पेपर टू उसमें रह जाते होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर में सिलेबस क्या क्या दिया होगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। देखिए पेपर टू वन का तो हम इस वीडियो में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, पेपर टू के बारे में ही बात कर रहे हैं। पेपर टू में आपका जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये वो आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा आपने मीडियम चूज़ किया है। टोटलिंग 80 मार्क्स, ये मैंने पूरा खुल के यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एक बार ये नीचे देख लेते हैं, ऊपर फिर दोबारा वापस आते हैं इस पर, ठीक है। इसमें वैसे कुछ नहीं बताया, इन्होंने यही बताया कि 80 नंबर का क्या आएगा, ये चीज़ है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने निकाला है दोस्तों, तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार और कंफर्म करना है, तो नोटिफिकेशन आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो आपका 6 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल एग्जाम में, ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे। पहला आपका क्वेश्चन होगा एसे का, ठीक है, जो जिसका मैंने यहाँ पे मीडियम भी इंडिकेट किया है, हिंदी या इंग्लिश, कोई से भी मीडियम भी लिख सकते हो सर, सर एंड मैम, ठीक है। हिंदी
हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दोनों मीडियम में, लेकिन लिखना उसी मीडियम में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे तब आपने मतलब वो किया होगा, जो इंडिकेट किया होगा मीडियम की सर मैं इसमें अपीयर होना चाहता हूँ, ठीक है। टोटल वहाँ पे 6 एसेज होंगे आपके, 6 में से आपको 4 ऐसे करने हैं, तो आपके पास चॉइस है 2 एसेज के, ठीक है। तो टोटल 6 ऐसे होंगे, 4 ऐसे आपको करने हैं, 4 ऐसे हैं, 20 नंबर का एक आपका ऐसे होगा जो टोटल मार्क्स जो हैं आपके वो 80 मार्क्स के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको लिखना है, 2 काउंटर आर्ग्यूमेंट होंगे आपके 20 20 नंबर के, तो 40 मार्क्स आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट के, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट आपकी इंग्लिश में ही होगी सिंपल, 2 रिपोर्ट आपको लिखनी है 10 10 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स आपके रिपोर्ट के होते हैं। फिर आपको लिखना है प्रिसाइस राइटिंग, ये आपका एक पूरा 300 मेरे ख्याल से वर्ड्स होते हैं इसमें शायद, उसको पूरा लिखना है आपको। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब टॉपिक वाइज उठाएंगे, ऐसे का एक वीडियो बनाएंगे, अलग अलग वीडियोस, तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये 15 नंबर का आपका होता है और एक ही आता है, तो उसमें 15 मार्क्स का आपका प्रिसीज हो गया, ठीक है। उसके बाद पैसेज आपका आएगा दोस्तों, उसमें आपके पैसेज में बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा इस तरह से पैसेज है, काफ़ी एग्जाम में आपने दिया भी होगा, अगर नहीं दिया है तो इसमें देना आप, ठीक है। तो उसमें बेसिकली 4 4 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स 20 होते हैं, हो सकता है 5 नंबर के 4 क्वेश्चन हो या 4 नंबर के 5 क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मार्क्स 20 हो, मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन होते हैं और 4 4 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर होती है आपकी दोस्तों, इंग्लिश में ही आपको लिखनी है, तो 25 नंबर ग्रामर के होते हैं। अब ग्रामर का ऐसा होता है अलग अलग बार, हर बार अलग हो जाता है, मतलब टॉपिक सेम रहते हैं क्वेश्चन का वो, इसमें क्या होता है एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के, ठीक है। 2 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर ये, और 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो 5 नंबर यहाँ, तो इस तरह से ये 25 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल आपके 200 मार्क्स का होता है आपका पेपर 2, ठीक है। अब बात करते हैं ये तैयारी मतलब किस एरिया से आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश टोटलिंग 80 मार्क्स, ठीक है। द इंडिकेटेड टॉपिक्स आर, टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। ये शायद आपको किसी ने आज तक ना तो बताए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शायद आपने ऐसी वीडियो देखी भी ना हो पहले, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों पे ज़्यादा कोई फोकस ही नहीं करता है, ठीक है। और मैं बताऊँगा मैं ज़्यादा जोर जो है पेपर 1 पे क्यों देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, फ्रीडम स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पे आपका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। इन टॉपिक से जो है आपके ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका ज्योग्राफी पे कोई भी ऐसे आ सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरनमेंट चेंज पे आ जाएगा, पोल्यूशन पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पॉलिटी पे आ सकता है कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई लॉ पास हुआ है इसके बेसिस पे कुछ भी मतलब ऐसा, ठीक है। या जैसे अभी पीछे से आपका वो हुआ था जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई थी, ठीक है, तो इकोनॉमी पॉलिटी दोनों के बेसिस पे पूछा जा सकता है उसमें कुछ भी, ठीक है ना। उसके बाद नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू, इंटरनल सिक्योरिटी पे आ सकता है कोई भी, ठीक है। जब हम एसेज को एक्सप्लेन करेंगे ना तब इनमें बताएंगे कौन सा किस टॉपिक से आया था, ठीक है। उसके बाद आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जैसे हिस्टोरिकल आपका ऐसे हो सकता है कोई भी, ठीक है, जैसे किसी का रोल क्या था इसमें। बेसिकली ये ऐसे जो होता है ये आपका इतना बड़ा नहीं होता है जैसे सिविल सर्विस में होता है, उसमें तो काफ़ी आपका 125 मार्क्स का ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का ही है, तो बेसिकली एक लेटर फॉर्म में मतलब छोटा सा आपको लिखना है, ज़्यादा वो नहीं है, इसमें ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एक अच्छा ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल स्टेप बताऊंगा, ठीक है। उनके हिसाब से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो पेपर 2, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, क्योंकि देखिए हम जब भी वीडियो डालते हैं तो हमारे व्यूज़ जो हैं 1000 के नीचे ही रह जाते हैं हर बार, तो इसका मतलब ये है नोटिफिकेशन सबके पास नहीं पहुंचता है। तो प्लीज़ जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर और कोई डाउट है प्लीज़ हिंदी वाला डाउट मत पूछना, देखिए मैंने बिल्कुल कन्फर्म करके आपको बता दिया है, इसमें एक एक चीज़ लिखा है मैंने यहाँ पे कि ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और एक इंटरव्यू वाला और क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ठीक है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है आपको। इंटरव्यू आपका बेसिकली देखिए क्या होता है, इंटरव्यू आपका होता है इंग्लिश में ही बेसिकली, ठीक है, लेकिन आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहूँगा, इतनी सी ही बात है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं पहले, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।